यार अगर इस फेस्टिवल सीजन में अगर ये वाली कुर्ती अगर आपने बाय नहीं करा ना, तो सीरियसली बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया आपने। बट कोई नहीं, फेस्टिवल सीजन निकल गया तो क्या हुआ, अभी तो शादियां भी तो आने वाली हैं एंड कुछ छोटे मोटे फेस्टिवल तो आते जाते ही रहते हैं यार, तो ट्राई करना तो बनता है ना ये वाला। सो क्या है वो कुर्ती, देखना नहीं चाहोगे? सो या लेट्स स्टार्ट। हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मोहिनी। सो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, एक कुर्ती का हॉल करने वाली हूँ, हॉल का रिव्यू करने वाली हूँ एंड आप लोगों के साथ शो करना चाहती हूँ कि ये क्यों इतना ज़्यादा ट्रेंडी है, इतने सारे लोग इसे बाय कर रहे हैं एंड ऐसा क्या है इसमें, कैसा लुक वाइज है, कैसा मटेरियल है इसका, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, फटाफट से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चलेगा कि मेरी कब कब आ रही है। एंड बेल आइकन को भी प्रेस करते हो तो नोटिफिकेशन भी आपकी फ़ोन पर मिलती रहेंगी। ओके, सो या गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना एंड इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो या गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको ये कुर्ती दिखा रही हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से बाय करी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। नवरात्रि सीज़न जब से स्टार्ट हुआ था, नवरात्रि फेस्टिवल, तब से ये कुर्ती बहुत ट्रेंड कर रही है एंड बहुत सारे लोगों ने इसे बाय करा है। बट मैंने नवरात्रि के इस टाइम पर नहीं बाय कर पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दिवाली आउटफिट के लिए इसे बाय करती हूँ। सो मैंने सोचा ट्राई करते हैं कि क्या वाकई में ये वर्थ इट है या नहीं है, क्या सच में खरीदने लायक था ये कुर्ती। सो या मुझे सीरियसली पसंद आया है। बट आप ओवरऑल लुक देख सकते हो कि कैसा है, पसंद आया, आपको कैसा लग रहा है। सो अब मैं बात करती हूँ उस कुर्ती के बारे में। ये है वो कुर्ती जिसे मैंने अमेज़ॉन से बाय करा है, यू कैन सी दिस। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी सा शेड है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा शेड है एंड यू नो फेस्टिव सीजन के लिए ये परफेक्ट ड्रेस है मेरे लिए। सो मैं इसे दिवाली आउटफिट के लिए, मैंने इसे दिवाली पर्पज से बाय करा है। सो अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ एंड अभी तक मैंने इसे ट्राई भी नहीं करा है, तो मैं आपको ट्राई करके भी दिखाने वाली हूँ कि कैसा है लुक वाइज ये। सो या ये आजकल ये सारे डिज़ाइंस ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ये इस तरह के जो लटकन्स वगैरह होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा फेस्टिव और एथनिक लुक को इन्हांस कर देते हैं, है ना, ड्रेसेस को। तो ये आपको कुछ गोटा पत्ती जैसा आपको दिख भी जाएगा यहाँ पर। एंड इसका जो कॉटन ड्रेस मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, तो इसका जो ड्रेस मटेरियल है वो है प्योर कॉटन। ओके, सो इन्होंने मेंशन भी करा था कि ये मशीन वॉश है। सो मैंने जो इसमें अपना साइज़ मंगाया है वो है एक्सल। एंड इसके अलावा गाइस, इसमें जो प्राइस भी है वो है 2999, बट इतने का नहीं है ये, ये अंडर 1000 है। ओके, सो ये आपको यहाँ पर राउंड नेक दिख सकता है एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसको डिज़ाइन किया गया है फ्रंट पे, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा डिज़ाइन है इसका। एंड इसके अलावा आपको ये स्लीव्स मिल जाएगी, जो कि आई थिंक ये फुल स्लीव्स ही आएगी, फुल से आपकी थोड़ा सा हाफ आ जाएगी। एंड इसका जो पैटर्न है वो है अनारकली, इसका अनारकली वाला पैटर्न है, जो कि मैं आपको अभी जस्ट वियर करके भी दिखाऊंगी। एंड इस तरह से आपको देख सकते हैं, नीचे कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड आपको मिल जाएंगे। एंड इन्होंने ऐसा मेंशन कर रखा है कि 100% कॉटन है, बाकी वियर करने के बाद पता चलेगा कि ये कैसा है। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा इसके पीछे साइड पे ये डोरी आपको मिल जाती है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग से सेट कर सकते हो, टाइट कर सकते हो, लूज कर सकते हो, और फ्रंट पे भी आपको मिल जाएगा। तो इसके स्लीव्स भी आप देख सकते हो, स्लीव्स पे भी इसके डिज़ाइन से इस तरह से। सो मैं आपको इसे मैं आपको वियर करके दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे एज यू कैन सी दिस गाइस, कि मैंने यहाँ पे कुर्ती को वेयर कर रही हूँ एंड यहाँ पर आपको इस ये डोरी टाइप की मिल जाती है, जिसे आप अच्छे से अपने अकॉर्डिंग टाइट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइट किया है, क्योंकि थोड़ी सी लूज़ हो रही थी मुझे। एंड बैक साइड पे भी आपको मिल जाएगा, तो बैक साइड पे भी आप इसे टाइट कर सकते हो। एंड स्लीव्स आप देख सकते हो, 3/4 स्लीव्स ही इसकी है। एंड इसका नेक एरिया आप देख सकते हो कि राउंड नेक आपको मिलेगा ये, एंड नेक एरिया पर ही इनका थोड़ा सा वर्क है। एंड ये रहा थोड़ा सा अनारकली पैटर्न है हमारा ये कुर्ती।
एंड इसकी अगर कलर की बात करूँ तो इसमें पिंक है, ऑरेंज है एंड इसमें थोड़े बहुत रेड को भी ऐड किया गया है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है ऑरेंज एंड पिंक कलर। सो गाइस अभी देखा आपने कि मैंने आपको ये वेयर करके दिखा दिया एंड ओवरऑल ये बहुत ही ऑसम है कुर्ती। अगर आपने अभी तक इसे बाय नहीं करा है तो फटाफट से जाइए एंड इस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करिए एंड सीरियसली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कुर्ती है ये एंड बिल्कुल अनारकली पैटर्न है एंड इसके नीचे भी आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप पैर में कुछ वेयर करना चाहते हो, प्लाजो, लेगिंग्स या कुछ भी, तो आप वेयर कर सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कुछ वेयर करने की ज़रूरत है क्योंकि इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है। सो यार गाइस ये था मेरा आज का रिव्यू एंड आई होप कि आप सबको ये पसंद आया होगा, ये जो मैंने आपके साथ शेयर करा अपना ये कुर्ती वाला हॉल। सो यार अगर आपको इसको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और इस प्रोडक्ट का ऑर्डर वहाँ से प्लेस कर सकते हो। या गाइस सो या गाइस आई होप कि दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू एंड हाँ, कैसी लगी आपको ये मेरी आज की कुर्ती आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हो। ओके सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन बाय गाइस एंड हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।